Good morning, students. Today we are going to discuss the summary of a poem, A House and a Home. And in the next video, we will discuss this poem in detail. So let's start. So this poem is about a home and a house. A house which is made up of bricks, hardwood, etc. It includes the glass windows and very often yard. There are few other things also like the plaster walls, tiled floors, and many doors. But all these things does not really make a home. It is a loving family which makes a home. Home means love and family. It means to work for the happiness of all those who live in a family, like brother, sister, mother, father, etc. They care for each other selfishly, and they help each other. They share their happiness and misfortunes with each other, and this show by their action that how much they love each other. So अब मैं इसका हिंदी में आपको समझाती हूँ. इसमें जो है पोएट ने जो है घर और हाउस के बारे में एक डिफरेंस बताया है कि घर क्या होता है और एक मकान क्या होता है. मकान जो है ईंटों से पत्थरों से लकड़ियों से बनता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें टाइट फ्लोर्स होंगे, दीवारें होंगी, बहुत सारे डोर्स होंगे. तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है एक घर नहीं बनता है. घर बनता है उसमें रहने वाले इंसानों से. घर का मतलब होता है प्यार और फैमिली, ठीक है. मतलब दूसरों की खुशी के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करना, उनकी केयर करना. और घर में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जो भी मिसहैपनिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, दूसरे से खुशियां बांटते हैं, दुख बांटते हैं. और ये सब कुछ कैसे पता चलता है? ये सब कुछ पता चलता है उनके एक्शन से, उनके कामों से, कि वो कितना एक दूसरे से केयर, कितना एक दूसरे की केयर करते हैं और कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो यही जो है डिफरेंस जो है पोएट ने इस कविता में बताने की कोशिश की है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. थैंक यू.